हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेड पर सेक्स टाइम को ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, कैसे वेरे को देर तक रोककर ज़्यादा देर तक सेक्स करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि क्या टेडिलाफिल टैबलेट और बेंजोक्विन जेल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर आप मेडिसिन लेते हैं फिर भी आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वीर जल्दी निकल जा रहा है, देर तक संबंध नहीं बना पा रहे हैं, तो कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप अपने टाइम को 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक कर सकते हैं, सेकेंड राउंड एक घंटे तक कर सकते हैं। एक जानकारी दे दूँ, हर किसी की बॉडी पर मेडिसिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आपका टाइम कितना बढ़ेगा ये आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है, आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है। तो चलिए पॉइंट वाइज बताता हूँ आप कैसे अपने क्लाइमेक्स को डिले कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक संबंध बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, गर्माहट। गर्ल्स जब अपने पूरे चरम पर होती है, बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है गर्ल्स को, तो गर्ल्स का प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस गर्माहट से आपका इजेकुलेशन भी जल्दी हो सकता है। गर्माहट से बचने के लिए आप प्रिकॉशन का यूज़ कर सकते हैं, और प्रिकॉशन ऐसे भी यूज़ करना चाहिए, आपको कई बीमारियों से बचाता है और प्रेगनेंसी से भी बचाता है। सेकेंड पॉइंट, स्पीड। स्पीड भी बहुत मैटर करता है टाइम डिले में। आप बहुत ज़्यादा स्पीड में पूरे जोश में करते हैं तो आपका क्लाइमेक्स जल्दी हो जाता है। आप शुरू में नॉर्मल स्पीड में करिए, फिर बीच में स्पीड बढ़ा सकते हैं जिसमें 5 से लेकर 10 स्ट्रोक मार सकते हैं, फिर आप नॉर्मल हो जाइए अपने स्पीड में। आप बीच बीच में स्पीड बढ़ा के अपने टाइम को डिले कर सकते हैं, तो आप बीच बीच में स्पीड बढ़ा करके और फिर नॉर्मल होकर के अपने टाइम को डिले कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहिए, इससे आपका टाइम डिले होगा। तो आप बीच बीच में स्पीड बढ़ा के अपने टाइम को डिले कर सकते हैं, वीर्य को जल्दी निकलने से रोक सकते हैं। बात यह नहीं है कि आप कितने स्पीड में करते हैं, बात यहाँ यह है कि आप परफॉर्म कैसा करते हैं, आपके परफॉर्मेंस पर ही आपकी पार्टनर खुश होती है। थर्ड पॉइंट, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इस टेक्निक में जब आप संबंध बनाते हैं, आपको जैसे ही एहसास होता है कि अब इजेकुलेशन होने वाला है तो आप वैसे ही रुक जाते हैं। लिंग को योनि से बाहर निकालिए और 10 से 20 सेकंड तक रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए। आप जब संबंध बनाते हैं तो वेव की तरह नीचे से ऊपर का एजुकुलेशन जाता है, तो जब आप एकदम टॉप पे होते हैं तो आपका क्लाइमेक्स होता है। तो जैसे ही लगे क्लाइमेक्स होने वाला है रुक जाइए, और 10 से 20 सेकंड तक रुकने के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी को। इस टेक्निक से आप ज़्यादा देर तक संबंध बना पाते हैं, वीर्य को जल्दी गिरने से रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डॉटेड प्रिकॉशन। इससे 2-3 फायदे होते हैं। पहला, आपकी पार्टनर को ज़्यादा प्लेजर मिलता है। दूसरा, आप योनि के गर्माहट से बच सकते हैं। तीसरा, आप ज़्यादा देर तक संबंध बना पाते हैं, वीर्य जल्दी नहीं निकलता है। इससे आप प्रेगनेंसी से भी अपने पार्टनर को बचा सकते हैं। एक और फिफ्थ पॉइंट भी है जिसको स्क्वीजिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें जैसे लगे कि क्लाइमेक्स होने वाला है, लिंग के टिप को प्रेस कर दीजिए, इससे हल्का पेन होगा बट क्लाइमेक्स रुक जाएगा। अब बात करते हैं एडवाइस की। मैंने जो अभी आपको टिप्स दिए उसको फॉलो करिए, सच में फ़ायदा होता है और आपका क्लाइमेक्स डिले होता है। आप टैबलेट ले ही रहे हैं तो डबल फ़ायदा उठाइए इस टेक्निक को यूज़ करके। बिना टैबलेट लिए अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर अलग से वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।